हेलो दोस्तों, अगर आप Asus ROG G15 लैपटॉप परचेज करने का प्लान बना रहे हैं 2020 में, ये लैपटॉप 2020 में ही लॉन्च हुआ है, पिछले साल भी लॉन्च हुआ था लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है ROG G15। सो दोस्तों, अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस लैपटॉप के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो जाननी आपको बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने Asus की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक किया है या फिर अगर आपने यूट्यूब पर पहले से कोई रिव्यू देखा है तो आपको पता होगा कि इस लैपटॉप में लिक्विड मेटल पेस्ट का यूज़ हुआ है। तो लिक्विड मेटल पेस्ट की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, फ्यूचर में आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप इसके सारे प्रोस एंड कॉन्स को समझ पाएँ। और बेसिकली इसके टेम्परेचर से रिलेटेड भी मैं काफ़ी सारे बातें करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएंगे। मैं आप लोगों के फ्यूचर में भी इसी तरह का शानदार कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं जो कि लेटेस्ट ROG G15 लैपटॉप है। लास्ट ईयर वाला जो लैपटॉप था वो था ROG G, तो उसके कंपैरिजन में इस लेटेस्ट लैपटॉप में क्या इंप्रूव किया गया है और बेसिकली इसकी जो कूलिंग है उसको किस तरह से एनहांस किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोई मेजर डिफरेंस लास्ट ईयर वाले थर्मल डिज़ाइन में और इस वाले थर्मल डिज़ाइन में है नहीं। मेन डिफरेंस है यहाँ पर, पहले नॉर्मल जो है थर्मल पेस्ट यूज़ किया था Asus ने, लेकिन इस बार जो है लिक्विड मेटल पेस्ट का यूज़ किया है और इसी वजह से Asus क्लेम कर रहा है कि ये 10-12 डिग्री सेल्सियस कम चलेगा, मतलब कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा और आपका लैपटॉप कूल चलेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जाननी बेहद ज़रूरी हैं कि आपका लैपटॉप रियल में कूल चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर कूल चलेगा तो कितना कूल चलेगा, कब तक कूल चलेगा और फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आपको। दोस्तों, इस लैपटॉप के कूलिंग सिस्टम को और ज़्यादा नज़दीक से समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लिक्विड मेटल पेस्ट क्या होता है और किस तरह से काम करता है, बेसिकली ये बना कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, लिक्विड मेटल पेस्ट मेनली बनाया जाता है गैलेंस्टन नाम के एक अलॉय से। दोस्तों, अलॉय किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर कई सारी मेटल्स को आपस में मिला दिया जाए उसके बाद एक नया मेटल जो फॉर्म होगा उसे हम अलॉय कहते हैं। दोस्तों, गैलेंस्टन मेनली बनता है गैलियम, इंडियम एंड टिन को मिलाकर, और दोस्तों इस गैलेंस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -19 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए ऑल द टाइम ये जो मेटल है, ये जो अलॉय है, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और ये इजी होता है सीपीयू पर अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, अगर आप थर्मल पेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक मार्केट में अवेलेबल जो सेरेमिक बेस्ड थर्मल पेस्ट होते हैं या फिर सिलिकॉन बेस्ड थर्मल पेस्ट होते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम है, लिक्विड मेटल पेस्ट को क्यों बनाया गया। सो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो लिक्विड मेटल पेस्ट होता है वो 6-7 times ज़्यादा कंडक्टिव होता है सेरेमिक बेस्ड या फिर सिलिकॉन बेस्ड थर्मल पेस्ट से, इसी वजह से ये आपकी कूलिंग, आपके सीपीयू की कूलिंग को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, उसकी हीटिंग को बेसिकली अच्छे से मैनेज करता है और उसके बाद आपका जो सीपीयू है वो उसके पीक परफॉर्मेंस तक जा सकता है। दोस्तों, लिक्विड मेटल पेस्ट की ज़रूरत वहीं पड़ती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की डिमांड होती है। सो दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत छोटे से कंपार्टमेंट में एक सीपीयू और जीपीयू लगाया जाता है, एक लिमिटेड सा कूलिंग सिस्टम होता है उसके पास, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की डिमांड बहुत हाई होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर मैनेज करने के लिए लिक्विड मेटल पेस्ट का यूज़ किया है Asus ने इस लैपटॉप में, और भी बहुत सारे लैपटॉप में इस लिक्विड मेटल का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, ये समझते हैं, अगर लिक्विड मेटल पेस्ट इतना ही अच्छा काम कर रहा है, इतना ही ज़्यादा जो है कंडक्टिव है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दिक्कत क्या है। सो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो लिक्विड मेटल पेस्ट होता है ना, उसको मेंटेन करना आसान नहीं होता है, सीपीयू पर अप्लाई करना आसान नहीं होता है, उसको अप्लाई करने के लिए एक्सपर्टिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपका थर्मल पेस्ट स्पिल हुआ इधर वगैरह, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर पर गया या फिर किसी भी ऐसे खुले हुए पॉइंट्स पर गया, तो ऐसे में आपका जो मदरबोर्ड है वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर आपका जो प्रोसेसर है वो डैमेज हो सकता है, या फिर जीपीयू पे आपने अगर अप्लाई किया है तो वो डैमेज हो सकता है। Asus उसे बहुत केयरफुली रोबोट की हेल्प से अप्लाई करता है आपके लैपटॉप पर, आपके सीपीयू पर, लेकिन ये खुद से करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, इसकी लाइफ की बात करते हैं कि दिक्कत कहाँ आएगी। दोस्तों, इसकी लाइफ आप मान के चलो एक थर्मल पेस्ट की लाइफ होती है 1.5 से 2 साल मैक्सिमम, और दोस्तों लिक्विड मेटल पेस्ट की अगर मैं गेमिंग लैपटॉप में बात करूँ तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा में ज़्यादा 1.5 साल होगी, मतलब 1 से 1.5 साल बाद अगर आपने अपने लैपटॉप का जो थर्मल पेस्ट है उसको चेंज नहीं करवाया लिक्विड मेटल पेस्ट को चेंज नहीं करवाया तो आपका लैपटॉप गर्म चलने लगेगा,
और गर्म होते होते आपका लैपटॉप जो है वो हो सकता है थर्मल थ्रॉटलिंग भी करने लगे। और दोस्तों उस मोमेंट पर बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप अपने सीपीयू का थर्मल पेस्ट चेंज करवाएं। और दोस्तों थर्मल पेस्ट को चेंज करना आसान नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ये ज़रा सा भी स्पिल हुआ और किसी भी ओपन पॉइंट्स पर आपके लैपटॉप के जो सीपीयू के चारों तरफ जो पॉइंट्स होते हैं अगर उन पर चला गया तो बेसिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका मदरबोर्ड शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका सीपीयू शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका जीपीयू शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और दोस्तों अगर आप सर्विस सेंटर पर भी जाते हो इसकी सर्विस लेने के लिए, आप बोलते हो सर्विस सेंटर वाले से या फिर जो आसुस का सर्विस पर्सन आपके घर पर आया है या फिर कोई भी ऐसा लैपटॉप जो आपने परचेज़ किया है उसमें लिक्विड मेटल का यूज़ हुआ है और वो सर्विस पर्सन आपके घर पर आता है, तो ज़रूरी नहीं है हर सिटी में आपको जो है एक एक्सपर्ट सर्विस पर्सन आपको मिल पाए और वो लिक्विड मेटल पेस्ट का यूज़ करे। एक तो ये करीब 2 से 2500 रुपीज़ का इसका ट्यूब आता है जो कि काफ़ी महंगा है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है, लेकिन जो काम करता है उसके हिसाब से तो ये महंगा नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ इसको अप्लाई करना आसान नहीं है तो ये काफ़ी बड़ी लिमिटेशन है मेरे हिसाब से। सो दोस्तों अगर आप स्ट्रिक्स G15 एंड G17 लैपटॉप परचेज करते हो और उसके बाद अगर आपका लैपटॉप कभी भी रिपेयरिंग के लिए जाता है, आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आती है और आपके लैपटॉप को ट्रीट करते हैं सर्विस सेंटर वाले, तो मैं समझता हूँ वो लिक्विड मेटल का यूज़ कभी नहीं करने वाले। वो थर्मल ग्रिजली का जो लिक्विड मेटल पेस्ट होता है उसका यूज़ कभी नहीं करेंगे, वो यूज़ करेंगे सिंपली जो नॉर्मल हमारे थर्मल पेस्ट होते हैं उनका। तो ऐसे में क्या होगा, आपका लैपटॉप जो है वही पिछली साल वाले रोग स्ट्रिक्स लैपटॉप की तरह ही आपका लैपटॉप टेम्परेचर जनरेट करने लगेगा और वो उतना कूल नहीं चलेगा बेसिकली जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्ट्रिक्स G15 लैपटॉप को। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इस लैपटॉप में इसके कूलिंग सिस्टम में इसके थर्मल सिस्टम में तो कोई मेन डिफरेंस है ही नहीं लास्ट ईयर से, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप परमानेंटली कूल सिस्टम जो कि HP Omen 15 लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है, Legion 5 एंड Legion 5i में देखने को मिलता है, तो आप इन लैपटॉप्स को चूज़ कर सकते हो, ये बेटर रहेंगे आपके लिए। दोस्तों इस लिक्विड मेटल पेस्ट की एक डिसएडवांटेज और है, वो ये है कि अगर आप इस लिक्विड मेटल पेस्ट को किसी भी एल्यूमिनियम की हीट सिंक पर अप्लाई करते हो तो वो हीट सिंक जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो काम करने लायक दोबारा नहीं रहेगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो मेटल होती है गैलियम नाम की वो एल्यूमिनियम से काफ़ी रिएक्ट करती है। और दोस्तों कॉपर की अगर बात करें तो उससे कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन तो ये क्रिएट नहीं करती है, लेकिन फिर भी रिएक्ट तो करती है। और यहाँ पर जब ये जो लिक्विड मेटल पेस्ट है वो ड्राई हो जाता है तो एक ही लेयर फॉर्म कर देता है कॉपर के ऊपर। और दोस्तों उसके बाद हीट सिंक पर जब ये लिक्विड मेटल पेस्ट सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसको हटाना आसान नहीं होता है क्योंकि वो कॉपर का परमानेंट पार्ट बन जाता है, मतलब एक नई मेटल ये फॉर्म कर देता है, उसका नाम होता है गैलियम कॉपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि आप अगर इस लैपटॉप को परचेस करोगे तो इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसे यूज़ करो 1-1.5 साल 2 साल और उसके बाद जब इसके थर्मल पेस्टिंग की नौबत आए, जब आप इसे थर्मल पेस्टिंग दोबारा इसकी करो तो आप एक नॉर्मल थर्मल पेस्ट का यूज़ करो, लिक्विड मेटल का यूज़ ना करो, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सो दोस्तों यही वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। सो दोस्तों अगर आप परमानेंटली कूल लैपटॉप चाहते हो तो आप HP Omen 15, Lenovo Legion 5 एंड Lenovo Legion 5i लैपटॉप को चूज़ कर सकते हो। Asus TUF A15 भी एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लैपटॉप ज़्यादा हीट कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हीट कर भी रहा है, तो अगर आप इसको चूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप HP या फिर Lenovo के साथ जा सकते हो। सो दोस्तों अगर आप एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे, उन लिंक्स को आप चेक कर सकते हैं, वहां से आपको आपकी चॉइस का अच्छा गेमिंग लैपटॉप मिल सकता है। मैं जानता हूं दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन अगर डिटेल में नॉलेज देनी है, डिटेल में आपको समझाना है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपका कोई भी डाउट है, आपकी कुछ क्वेरी है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।